वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास जो है नोकिया का फ़ोन आया हुआ है जो पूरी तरह से डेड है। इसमें गाइस चार्जिंग प्लगिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई एम्पेयर शो नहीं कर रहा है और फ़ोन चार्जिंग भी नहीं उठा रहा है। तो ऐसे फ़ोन को किस तरह ठीक करना है, चलो आज इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। पहले गाइस इस फ़ोन को जो है ओपन कर लेते हैं और ओपन करके गाइस इसे चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस इसमें जो कस्टमर का कहना है कि इसमें चार्जिंग ख़त्म हो जाने के बाद इसमें चार्जिंग प्लगिंग कर रहे हैं तो ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। और गाइस इसमें जो है कस्टमर का कहना है कि पिछले महीने में ही इसका चार्जिंग पिन मैंने एक शॉप से रिप्लेसमेंट कराया था। और गाइस पहले इस फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और ओपन करके गाइस इसमें चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस यहाँ पे जो फ़ोन ओपन हो चुका है तो इसका मदरबोर्ड मैं बाहर निकाल लेता हूँ और बाहर निकाल के गाइस इसमें चेक करता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो गाइस देख सकते हो आप, इसका जो चार्जिंग पिन है वो मदरबोर्ड से बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पे जो गाइस इसके जो सारे प्रिंट है वो काफ़ी डैमेज है। तो यहाँ पे पहले इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। और गाइस ये जो चार्जिंग पिन रिप्लेसमेंट किया गया था ये अच्छी तरह से यहाँ पे बैठाया नहीं गया था, इसलिए जो है गाइस इसका चार्जिंग पिन यहाँ से टूट गया है। तो पहले गाइस इसके जो है सेफ्टी से मैं इसका डिस्प्ले को बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे जो गाइस चार्जिंग पिन रिप्लेसमेंट करने के समय में जो है ब्लोअर से हीटिंग दिया गया है तो ये डिस्प्ले का जो पीछे का पॉइंट है वो कटिंग करके बाहर निकालते क्योंकि ये जल गया था। तो यहाँ पे जो गाइस इसका पहले डिस्प्ले को सेफ्टी से बाहर निकाल के इसका जो है हमें मदरबोर्ड में इस कनेक्टर का पोजीशन बनाना होगा क्योंकि ये इसके सारे प्रिंट डैमेज हो गए हैं। तो यहाँ पे जो गाइस मैं इसका चार्जिंग पिन को रिप्लेसमेंट नहीं करूँगा, इसे काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन करके इसका जगह बना के रिसोल्डर करके इसे वापस से बैठा के चेक करता हूँ इसमें जो प्रॉब्लम है डेट का ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। कभी भी गाइस अगर आप लोग जो चार्जिंग पिन रिप्लेसमेंट करते हो तो उसे काफ़ी अच्छी तरह से बैठाना पड़ता है क्योंकि गाइस ये जो नोकिया का फ़ोन है इसमें जो है काफ़ी नाजुक यहाँ का प्रिंट होता है चार्जिंग पिन का, जो है यहाँ से टूट जाता है तो जिसके कारण यहाँ पे नया चार्जिंग पिन बैठा हो तो वो अच्छी तरह से बैठता नहीं है। तो यहाँ पर जो गाइस अच्छी तरह से इसको जो है स्क्रेच करके जो है शोल्डर से रिसोल्डर करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं इसे बैठाऊँगा। कभी भी गाइस अगर आप लोग चार्जिंग पिन जो बैठाते हो उसे काफ़ी अच्छी तरह से बैठाओ क्योंकि ये जो फ़ोन में जो चार्जिंग पिन होता है वो ढीला बैठाने से टूट जाता है और जो है वापस से ये फ़ोन डेड हो जाता है। तो देख सकते हैं गाइस मैं इसमें किस तरह से पोजीशन बनाया हूँ चार्जिंग पिन का और इसमें जो है यही चार्जिंग पिन को ब्लोअर से वापस से बैठा के और इसमें जो प्रॉब्लम है गाइस ये डेड का ये प्रॉब्लम आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो गाइस इसके पहले सारे प्रिंट को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं क्योंकि इसका जो गाइस सारे ग्राउंड के जो प्रिंट है ये हमारे चार्जिंग जैक के ऊपर लगा हुआ है तो इसे काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन करके वापस इसे इसी जगह पे बैठा के चेक करते हैं जो ये फ़ोन हमारा डेड कंडीशन में मेरे पास आया हुआ था इसका जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो इसे काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करके वापस से इसे यहाँ पे बैठाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस इसे मैं किस तरह से क्लीन कर रहा हूँ। आप लोग के पास भी गाइस अगर ऐसे डेड कंडीशन में जो फ़ोन आते हैं तो उसका गाइस जो है चार्जिंग पिन रिप्लेसमेंट कर दो और ये जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर जो गाइस मैं इसे अच्छी तरह से बैठा लेता हूँ और बैठा के गाइस आप लोग को चेक करके दिखा देता हूँ। और देख सकते हैं गाइस इसे मैं बैठा चुका हूँ ब्लोअर से, अभी इसमें चार्जिंग प्लगिंग करके चेक करता हूँ जो ये हमारे चार्जिंग पिन के पास बैटरी कनेक्टर के पास एम्पेयर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक छड़ा ग्राउंड रख के और हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पे गाइस जो है हमारा चार्जिंग पिन लग रहा है कि बराबर बैठा नहीं है। तो यहाँ पर जो है गाइस मैं पहले अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लेता हूँ और क्लीन करके वापस चेक करता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस ये जो है प्रॉपर हमारे बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आ रहा है। तो गाइस इस फ़ोन को करते हैं पहले फिटिंग और फिटिंग करके आप लोग को चेक करके दिखाता हूँ ये जो पूरे डेड कंडीशन में था ये फ़ोन का प्रॉब्लम ये सॉल्व हुआ कि नहीं।
कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास जो है ऑलमोस्ट कोई भी फ़ोन डेड अगर आते हैं तो पहला स्टेप होता है गाइस उसका चार्जिंग पिन, उसका चार्जिंग पिन आप लोग चेक कर लो अपने हिसाब से। और गाइस ये जो प्रॉब्लम होता है वो एक्चुअली कभी भी डेड कंडीशन का चार्जिंग पिन से ही होता है। तो यहाँ पे गाइस मैं इसका चार्जिंग पिन को रिप्लेसमेंट नहीं किया हूँ और वही पुराने चार्जिंग पिन को रिसोल्डिंग करके वापस से बैठाया हूँ। और देखते गाइस ये चार्जिंग प्लगिंग करके ये जो फ़ोन हमारा है डेड कंडीशन में ये ऑन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे गाइस हमारा चार्जिंग फ़ोन पूरा एम्पेयर ले चुका है और ये जो हमारी बैटरी है ये काफ़ी एम्प्टी में है, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये देख सकते हैं गाइस ये फ़ोन हमारा जो है ऑन हो रहा है लेकिन ये ऑन नहीं होगा क्योंकि ये गाइस पूरा बैटरी इसका एम्प्टी है। तो यहाँ पे जो गाइस हमें थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा। तो ये फ़ोन जो है हमारा ऑन हो चुका है। अगर गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस तरह आप लोग को नए नए वीडियो में बनाता रहूँगा। और गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।